हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग जर्नी अगेन। और अगेन हम उस वीडियो को कंटिन्यू करने आए हैं जो हम आयरन ट्राई बैंक निफ्टी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। सो हम काफ़ी महीनों तक, 26-27 महीनों तक काम कर चुके हैं, ठीक है। एटलीस्ट 2.5 से 3 साल का हम यदि कोई भी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करते हैं तो 2.5-3 साल में एक साइकिल पूरा होता है इंडेक्स का भी, ठीक है। किसी साल हो सकता है अप ट्रेंड में रहे, किसी साल डाउन ट्रेंड में रहे, कभी साइड बेस रहे, या 12 महीने में भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये तो हम 3 साल किसी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करते हैं, उसमें हम अगर लगता है कि सही काम कर रहे हैं तो वी कैन अप्लाई दैट स्ट्रेटजी, ठीक है, ऑन रियल ट्रेडिंग। सो ठीक है, आप बातें कम करते हैं। अभी हम पुराना वीडियो में कहा था कि जनवरी 2022 तक कर लिए थे जाते जाते, अभी हम दिसंबर 2021 में चलते हैं। तो ये एक्सपीरियंस आप देख रहे होंगे कि देखो कभी कभी डिसेंट प्रॉफिट दिखाता है, नुकसान कम रहता है, कभी कभी लगातार 2-3 नुकसान दिखा दिया, उसके बाद लगातार 2-3 बड़ा प्रॉफिट दिखा दिया, ऐसा होते रहेगा, ठीक है। तो ओके, अभी दिसंबर 2021 में आते हैं, हमको ओवरऑल प्रॉफिट में जाना है। ओवरऑल प्रॉफिट अभी तक का 27 मंथ का हमारा है 1,26,000, जो कि एवरेज बैठता है 4,669 रुपये का पर मंथ का एक लॉट में, ठीक है। ओके फाइन, तो अभी हमको क्या जाना है इसमें, दिसंबर 2021 में जाना है, ठीक है। सो ओके, इसको हम हटाते हैं और दिसंबर 2021 में लेके चलते हैं। 30 दिसंबर दिखा रहा है, ओके। 30th of December और स्ट्रेटजी को हम लगाएंगे नवंबर में, एक्सपायरी के नेक्स्ट डे मतलब 26 को। इसको हम बिल्कुल 9:30 के टाइम में ले आते हैं, 26th of November को 9:30 का टाइम, 36,718 ऑलमोस्ट, 36,800 आई थिंक होना चाहिए, ओके 36,800 परफेक्ट है। 912 का कॉल है, 839 का पुट है, लगभग 1800 पॉइंट दूर, 36,800 तो 38,800, 38,600, ये 1800 पॉइंट दूर हमने कॉल बाई कर लिया हेज करने के लिए, और 36,800 तो 34,835, 1800 पॉइंट दूर कहा जाएगा, ओके। सो फाइन, अभी हम देखते हैं 14,000 का नुकसान एक साइड, दूसरे साइड मैक्स प्रॉफिट 30,000 का, ठीक है। तो टाइम बिल्कुल नहीं लेते हैं, क्या करना है आपको पता है, बस हमको बैक टेस्ट करना है, ओके। ग्रीन जोन में तब तक कुछ नहीं करेंगे, ग्रीन जोन में है, ओके। सत्रह सौ का प्रॉफिट, 1100 का प्रॉफिट, 600 का प्रॉफिट, 1700 अगेन, 2200, 3000, 1200, 4500। अब देखिए लगभग यदि आप देखेंगे इसको तो आधा हमारा मंथ निकल चुका है, अभी तक इसने ब्रेक इवन को क्रॉस नहीं किया है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा है कि बाद में जब पार करेगा तो हमको चांस जो है कम बनता है, प्रीमियम कम मिलता है एडजस्ट करने का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट थोड़ी कम हो जाती है, नुकसान की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, मतलब पहले कि एक सप्ताह में तोड़ के निकल जाए तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अभी देखिए ऑलरेडी 5-6 हज़ार दिखा रहे हैं, चूंकि आपको प्रॉफिट बुक करना तो कर सकते हैं, लेकिन हम पूरे लास्ट तक जाते हैं उस केस की बात करूँगे। यदि आप देखिए अभी आ गया 20 तारीख को, मतलब शुरू के 20-25 दिन को इसने वहीं पर रहा, उसके बाद फिर तोड़ा, तो यहाँ पर प्रीमियम देखते हैं 34,610 है, तो 34,700 का हमें कॉल सेल करेंगे, 34,700 ठीक ठाक है, ये भी यहाँ पे 642 दिखा रहा है, वो उतना कम भी नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, अभी इसको देखने कोई ज़रूरत नहीं, अभी हम चलते हैं 642 का हाफ हो जाए या उसका हाफ जोड़ देंगे जो भी उसमें ऐड हो जाए, तो अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 5,000 का नुकसान दिखा रहा है अभी, 4,500 के लगभग, 761, 588, 327, तो अभी भी हाफ जस्ट थोड़ा सा बचा हुआ है, ओके अगेन 659 वापस आ गया, 680, ये लास्ट डे आ ही गया है तो इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, 352 आया है, अभी हमको इसको लास्ट डे में
टाइम तक छोड़ देते हैं। 365 तो ये आधा हुआ भी नहीं और ना तो टारगेट हिट किया नहीं ऐसे हिट हुआ। तो यहाँ पे जो भी ना नुकसान है 6013 दिखा रहा है, -6013 हम इसको ले लिए। ठीक है, अदरवाइज पहले आपको पता है कि 11000 समथिंग का शायद कुछ लॉस दिखा रहा था। ठीक है, आधा हो गया, कोई बात नहीं, दिसंबर को हो गया। अभी चलते हैं नवंबर में, 25th of November और नवंबर का है तो अक्टूबर के लास्ट जो एक्सपायरी रहेगा उसके नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे ओके 38998 है तो 39000 के आसपास बनना चाहिए। 39000 ही ठीक है, ओके चलो 39000 ले लेते हैं। ये सेल किए, ये भी सेल किए, तो 2000 पॉइंट यहाँ से ऊपर 41000 का कॉल बाय कर लिए और नीचे 37000 का पुट बाय कर लिए। ओके, अब देखिए 17900 ऑलमोस्ट 18000 का नुकसान हो सकता है और 31000 का प्रॉफिट हो सकता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट डे करके देखते हैं। अभी वहीं पे है, ग्रीन जोन में आगे बढ़ गया है। ठीक है, वापस आ गया, 3600 का प्रॉफिट दिखा रहा है, 5000 का प्रॉफिट दिखा दिया। यहाँ पे निकलने वाले निकल सकते हैं बिल्कुल, 5000 का प्रॉफिट दिखाया बिल्कुल, 10000 का यहाँ सोचने की बात ही नहीं, निकल जाना चाहिए। ओके, क्योंकि एवरेज आपको पता है कि हमारा जो प्रॉफिट है 5000 के आसपास ही बन रहा है, हमको 5000 से ऊपर दिख रहा है प्रॉफिट तो हमको ले लेना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि यदि आप एक लॉट के बजाय 2-3 लॉट में कर रहे हैं तो हाफ को बुक कर लिए, हाफ को रहन दिए, वो ऐसा कर सकते हैं बाद में। तो ये 37700 है और इधर 37720 है, ओके तो कर चुका है, तो हमको अभी यहाँ पे कॉल सेल करना है। 37700 दिखा ही रहा है तो 37800 का होना चाहिए। 362 पे आ रहा है, ठीक है, जो भी प्रीमियम है अपन सेल कर देते हैं और अब इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। 362 का है, नेक्स्ट डे चलते हैं। अभी 2600 का प्रॉफिट दिखा रहा था, -1800 का नुकसान दिखा रहा है, इसका आधा हो गया है 101, इसको हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। अगेन अभी प्रॉफिट तो लॉस में ही है, अभी भी रेड जोन में है, तो अगेन हम एक सेल करेंगे 37100 का कॉल 357 में मिल रहा है। ठीक है, सेल कर देते हैं, वापस चलते हैं, एक बार ग्राफ देख लेते हैं। ओके, यहाँ चलते हैं, नेक्स्ट डे करते हैं 357 474। तो इसको कितना आएगा एग्जैक्टली देखना पड़ेगा, 357 है, 1 सेकंड हम देख लेते हैं, 357 डिवाइड बाई 2 कर दिया 178 प्लस 357 535 आना चाहिए, ये 178 आना चाहिए, नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। लास्ट इसमें एक्सपायरी का उसमें 25 नंबर इसमें आ गया है, सीधा हम 3.5 को चलते हैं। जो पोजीशन है उसको हमको लेना पड़ेगा, क्या पोजीशन दिखा रहा है, 147 रुपये का नुकसान दिखा रहा है। ठीक है, तो जो दिखा रहा है डाटा हम उसको रख देते हैं, -147। ठीक है, अब जैसा है कैसे करेंगे, देखिए लगातार नुकसान हो गया ना। ठीक है, एक और मंथ का कर लेते हैं, 9 मिनट का दिखा रहे वीडियो, एक और मंथ का कर लेते हैं, अक्टूबर का, यहाँ से भी 28th of October, यहाँ से सितंबर में जाके हम 30 को ऑलरेडी था तो 1 तारीख को ही हमारा होगा अगला, अक्टूबर में ही।
ठीक है, ये ओके हो गया। 37 126, 37 200, 37 200, 939 में दिखा रहा है। थोड़ा वीडियो फास्ट हो रहा होगा, लेकिन ये चूंकि मैं एक ही नहीं, इसको काफ़ी बार बता चुका हूँ, आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं इसमें से। 1900 पॉइंट 2 लगभग, तो 37 200 39, 200 39 100। थर्टी फाइव 300। ठीक है, अगेन ओके। सो अभी 15,000 का नुकसान है, 32,000 का प्रॉफिट है, ऐसा दिखा रहा है। नेक्स्ट करके देखते हैं। ओके है, 900 का प्रॉफिट दिखा रहा है, 1400, 1900, अभी भी वहीं पे है। 1900 का प्रॉफिट वहीं पे है, 1700 का प्रॉफिट, 2100 का प्रॉफिट अभी माइनस में आ गया। अभी इसको ब्रेक इवन को तोड़ दिया, 3,000 का नुकसान दिखा रहा है। 38,700 का हम पुट सेल करना है, तो 38,700 540 रुपये में मिल रहा है, इसको हम कर दिए। देखते हैं इसका हाफ होता है कि इसका हाफ को प्लस करेंगे उतना होता है। वहीं कहीं पे कुछ नहीं करना है, 190, तो ये हाफ तो हो ही गया है, तो इसको हमको प्रॉफिट बुक करना ही है। 190 प्रॉफिट बुक कर लिए। अब अभी हमारे पास 6,000 का प्रॉफिट, सॉरी नुकसान दिखा रहा है, जो कि शायद 15,000 का था, वो 6,000 का नुकसान आधा अपन कर लिए हैं। ठीक है, एक बार अगेन 39,900 है, तो वहाँ पे फिर से हम 39,900, 39,900, ठीक है, 586 में। ठीक है, अभी एक बार ही अपन इसको देख लेते हैं। ओके, ऐसा दिखा रहा है ग्राफ। ठीक है, 586 का हाफ होगा तो, या उसका ऐड कर देंगे तो, देखते हैं क्या दिखाता है। अभी भी बचा होगा थोड़ा सा, एक बार करके देख लेते हैं। 586 डिवाइड बाई 2, 293 प्लस 586, 879, 879 पे एग्जिट होंगे। अभी नहीं आया 879, 263 आ गया। ओके, 293 पे एग्जिट था, 263 आ गया है, तो इसको हम अगेन प्रॉफिट बुक कर लेंगे यहाँ पे। ओके, अभी देखिए यहाँ पे जीरो लॉस दिखा दिया, क्यों? क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम लॉस कितना था, लगभग 15,000 के आसपास था, हमने 8-8 16,000 का प्रॉफिट तो हम इसको कर लिए, तो जीरो लॉस स्ट्रेटजी आ गया है। हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, है ना, कुछ भी नहीं करना है एज पर रूल। ठीक, वैसे चाहो तो आप अगेन यहाँ पे आप बेच सकते हो, मार्केट ऊपर जा रहा है तो, बट हमारा रूल बोलता है कि जैसे जीरो लॉस होता है कुछ नहीं करना है, तो हम छोड़ देते हैं। मार्केट ऊपर गया, प्रॉफिट हुए रहता हमको यदि हम और भी पुट सेल करते तो, लेकिन हमारा जो रूल बोलता है जीरो लॉस होने के बाद में हम और कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, वेट करेंगे जो भी है। ठीक है, ओके, वापस देखो 41 कुछ चला गया था, वहाँ से 39 काफ़ी डिप डाउन आया है नीचे, लेकिन थोड़ा और नीचे आता तो हमको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, ओके, 1530 का प्रॉफिट दिखा रहा है, और मार्केट गया था 37,200 से 41 के आसपास, 3-4,000 पॉइंट ऊपर गया था, वहाँ से 2,000 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ है, 2,250 पॉइंट। ठीक है, सो अगेन ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 1530 का हमको प्रॉफिट दिखा रहे हैं, तो 1530 का प्रॉफिट। ओके, अक्टूबर 21 का, ओके फाइन, तो आई थिंक इतना काफ़ी है आज की वीडियो के लिए। ठीक है, इसको लर्निंग कीजिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मैं बैक टेस्ट ला रहा हूँ आपके लिए, और काफ़ी मेहनत करता हूँ, काफ़ी सोचता हूँ, यूनिक स्ट्रेटजी है। ठीक है, और कुछ है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।